तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हमारा हिस्सा चाहिए भाई, वैसे थोड़े छोड़ने वाले। पार्टी में जो संघर्ष किया, देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब पार्टी बनी 94 में, तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा, कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हों, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा। उसके बारे में तो कह दिया कि उनके कहने से हम थोड़े छोड़ने वाले। हमारा हिस्सा चाहिए भाई, वैसे थोड़े छोड़ने वाले। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब आपके पास कोई, पार्टी में जो संघर्ष किया, देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब पार्टी बनी 94 में, तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा, कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हों, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा। उसके बारे में तो कह दिया कि उनके कहने से हम थोड़े छोड़ने वाले। हमारा हिस्सा चाहिए भाई, वैसे थोड़े छोड़ने वाले। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब आपके पास कोई, सबसे संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हमारा हिस्सा चाहिए भाई, वैसे थोड़े छोड़ने वाले।